वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम द्वारा महानगर में लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को रेलवे स्टेशन परिसर में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन कराया गया, जहां पर ट्रैक्टर, टैंकर और मैजिक गाड़ी से नगर निगम कर्मचारी द्वारा रेलवे स्टेशन के मेन गेट से लेकर परिसर तक सैनिटाइजेशन किया गया। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया। देखिए, महानगर के 70 वार्डों में हम लोग रोस्टर वाइज 55 गाड़ियों के द्वारा जो बड़े हमारी गाड़ियां हैं उसे सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। आज हम लोग खास करके उन स्थानों के लिए जहां पब्लिक का आवागमन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, और इसके साथ साथ हम लोग BRD मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल, और साथ ही साथ ऐसे स्थान जहाँ पे पेशेंट की या आदमियों की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, वैसे स्थान जैसे हमारे हेल्थ पोस्ट हैं, दीवान बाजार है, मियाँ बाजार है, शाहपुर है, वहाँ पर हम लोग विशेष रूप से सैनिटाइजेशन काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम कंटोनमेंट एरिया में भी विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं ताकि कोरोना के चेन को, संक्रमण जो होने वाली बीमारी है उसको रोका जा सके, उसको तोड़ा जा सके।